नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है पुस्तक और इसके लेखक। इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ और आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, जो आपको यूपीएससी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और साथ में अपना स्कोर और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। तो इसे आप प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी वो रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो ये जो नागमती बिरह है या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है, तो इनमें से जो चित्रावली है या एक जायसी की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, पद्मावत को समोकित किसने कहा है? तो पद्मावत को समोकित कहा है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जायसी किस धारा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो किस धारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी या एक प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत लिखा गया है अवधि भाषा में। किस में लिखा गया? अवधि भाषा में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मधुमालती के रचनाकार हैं? तो मधुमालती इसके रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार है मंजन। कौन से हैं? मंजन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपके सामने कि प्रेम मार्गी कभी नहीं है? तो इनमें से प्रेम मार्गी कभी कौन नहीं है, तो इनमें से प्रेम मार्गी कभी नहीं है सूरदास। कौन नहीं है? सूरदास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तुलसीदास की भक्ति का रूप क्या है? तो तुलसीदास की भक्ति का रूप क्या है, तो तुलसीदास की भक्ति का रूप है दास। कौन सा है? दास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो कौन सी रचना इनमें से तुलसीदास की नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो साकेत है या तुलसीदास की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अब लव नसानी अब ना नसियो, तुलसीदास की यह युक्ति उनकी किस रचना से उद्धत है? तो किस रचना से यह उद्धत है, तो यह है विनय पत्रिका से उद्धत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब लो नसानी अब ना नसियो पद की रचयिता हैं, तो इस पद की रचयिता कौन है? अब लो नसानी अब ना नसियो, तो यह रचना है तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया, तो ये किया है विशिष्टाद्वैतवाद का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अष्ट छाप के संस्थापक हैं, तो अष्ट छाप के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। तो अष्ट छाप के संस्थापक हैं विट्ठल नाथ। कौन है? विट्ठल नाथ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु कौन थे, तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। कौन से थे? रैदास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास
किसके शिष्य थे? सूरदास शिष्य थे बल्लभाचार्य। किसके? बल्लभाचार्य के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो सुदामा चरित्र ये किसकी रचना है? तो सुदामा चरित्र ये रचना है नरोत्तम दास की। किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? तो इनमें से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की है बल्लभाचार्य ने। किसने की है? बल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी, ये की थी विट्ठल नाथ ने। किसने की थी? विट्ठल नाथ ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं, तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं इनमें से? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं सूरदास। कौन सी हैं? सूरदास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो ये माना है चिंतामणि को। किसे माना? चिंतामणि को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भूषण रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीति काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीति काल काव्य रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं ये आपको बताना है। तो ये कवि कौन से हैं? तो ये कवि हैं आपके बिहारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ये काव्य भाषा है इनकी ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसी रचनाकार का नाम है केशव। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त कवि कौन सा नहीं है इनमें से? तो केशव दास हैं ये रीति मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? तो ये रचयिता कवि हैं भूषण। कौन सी हैं? भूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो रीतिकाल के उस कवि का नाम है जिसने वीर रस में कविता लिखी है भूषण है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। तो हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने को दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रति यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है बिहारी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो। क्वेश्चन अगला आपके सामने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये किस भाषा में हुई है रामचरितमानस की रचना? तो ये हुई है अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि ये हैं बिहारी कबीर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा क्या संज्ञा दी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अतिसूद स्नेह को मारक यह किसकी पंक्ति है। तो यह किसकी पंक्ति है, तो यह पंक्ति है घनानंद, किसकी है घनानंद की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे। तो इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे, तो अपेक्षा के संपादक थे तेज सिंह। कौन थे, तेज सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि इनमें से कौन सा नाम मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। तो मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये सम्मिलित नहीं है जो कृष्ण बिहारी है, मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है। तो इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है, तो ये है मैला आंचल के पृष्ठभूमि आंचलिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।